अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। चाइना ने रिसेंटली साउथ पैसिफिक के साथ एक मायदा करने की कोशिश की है, जिसको हम सिक्योरिटी पैक्ट का नाम देते हैं। बेसिकली साउथ पैसिफिक एक जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है और इसमें टोटल 10 कंट्रीज हैं। साउथ पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे है। चाइना जो इन छोटी छोटी कंट्रीज के साथ रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट करना चाहता था, इसका मकसद ये था कि इन तमाम कंट्रीज में अपना असर रसूख बढ़ा सके। और चाइना ने इन तमाम कंट्रीज को कहा कि हम मल्टी मिलियन डॉलर पैकेजेस आपको प्रोवाइड करेंगे, कोविड में टोटली तौर पे आपकी कंप्लीट हेल्प करेंगे, फ्री वैक्सीनेशन होगी आपके लिए। चाइना की मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आपके कंट्री में प्रोजेक्ट शुरू करेंगी। इन तमाम चीजों के बदले आपको सिक्योरिटी पैक्ट एक साइन करना होगा, और वो सिक्योरिटी पैक्ट ये था कि चाइना वहाँ की साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को संभालेगी और वहाँ की पुलिस को ट्रेनिंग देगी। चाइना भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहा है और सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, और वो इन तमाम छोटी छोटी कंट्रीज और इर्द गिर्द के इलाकों में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। इंडो पैसिफिक में चाइना का पहले ही असर रसूख है, जैसा कि मालदीव कंट्रीज है, नेपाल है, श्रीलंका है, यहाँ प्रो चाइना गवर्नमेंट है, लेकिन अब इनका असर रसूख जरा कम हो चुका हुआ है। अगर चाइना वहाँ की पुलिस को ट्रेनिंग देती है तो इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट उनके हक में नहीं है वो आसानी से उस गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर सकती है। क्योंकि साउथ पैसिफिक की कंट्रीज ने इस सिक्योरिटी पैक्ट पे साइन करने से मना कर दिया और इसको रिजेक्ट कर दिया, और इधर चाइना ने स्टेप बैक ले लिया। चाइनीज डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने कहा कि परेशानी होने की जरूरत नहीं, अगर हम इन मकासद में कामयाब नहीं हो सके तो हम किसी और तरीके से इन कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन तमाम कंट्रीज ने चाइना के इस प्रपोजल को इसलिए भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इन्होंने मोनराय डॉक्ट्राइन पे साइन किए हुए थे। मोनराय डॉक्ट्राइन 1823 को यूएसए ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो ये लेके आया था ये मोनराय डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री सुपर पावर के मतलब अमेरिका के खिलाफ उठ खड़ी होती है तो ये कंट्री उनका साथ नहीं देगी। अब ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हम इसी तरह का कोई डॉक्ट्राइन लेके आए और इसके इन्फ्लुएंस को कम कर सकें।